नमस्कार मित्रों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भक्ति भजन सुविचार पौराणिक कथाएं और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें धर्मपत्र यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद्भागवत के कुछ अनमोल और प्रेरणादायक कथन। श्रीमद्भागवत गीता में मानव जीवन का सार छिपा है। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ का अगर कोई भी मनुष्य अध्ययन कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिल सकता है। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश किसी भी मनुष्य के लिए प्रेरणा के स्रोत साबित हो सकते हैं। वर्तमान जीवन में उत्पन्न हुई कठिनाइयों का शमन करने के लिए मनुष्य को गीता में बताए गए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए। इससे मनुष्य उन्नति की ओर अग्रसर होगा। गीता में लिखा है, अत्यधिक क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम के उत्पन्न होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने से तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क के नष्ट हो जाने से पतन शुरू हो जाता है। जो ज्ञानी मनुष्य कर्म और ज्ञान को एक ही रूप में देखता है उसी मनुष्य का नज़रिया सही है। इससे वह मनुष्य इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है। मन बहुत चंचल होता है, अतः मन पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। जो मनुष्य मन पे नियंत्रण नहीं कर पाते उनका मन उनके लिए शत्रु का कार्य करता है। मनुष्य को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञानता को बाहर निकाल सकता है, जिससे वह मनुष्य उत्कर्ष की ओर प्राप्त हो सकता है। जो मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही उसका आचरण हो जाता है। अपने आत्मविश्वास को जगाकर मनुष्य अच्छी सोच में परिवर्तन ला सकता है, जो उसके लिए कल्याणकारी होगा। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य का जैसा कर्म होता है वैसे ही उसको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्मों को ही महत्व देना चाहिए। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अशांत मन को अभ्यास से बस में किया जा सकता है। गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यदि वह पूर्ण विश्वास के साथ इच्छा की गई वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव से घिरा रहता है और यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए केवल धर्म और अच्छे कर्म के मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जय श्री कृष्णा।